देखिए फगुआ की बहार बहनी शुरू हो गई है और बोकारो स्टील सिटी के इस समय सांसद कार्यालय के सामने है, जहां पर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां पर एक शख्स मिल गया है जिनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर इस बोकारो स्टील सिटी के तमाम लोग चर्चा में है। बाबा टिकट की खूब चर्चा हो रही है और आज सांसद कार्यालय पर मैं भी टिकट लेके घूम रहा हूँ, अगर आप बोलिएगा तो मेरे पास जुगाड़ है, कुछ टिकट आपको भी दे सकते हैं। हमको कोई टिकट की आवश्यकता नहीं है। नहीं मेरे पास है बाबा, क्योंकि भाजपा कार्यालय में बड़ा टिकट का मारामारी चल रहा है बाबा। हम लोगों का एक ही कार्यक्रम है, इस बार 400 पार। 400 पार? हाँ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बनाना है, बस काम करना। तो बाबा सवाल लोग जानना चाह रहे हैं कि धनबाद लोकसभा और पूरे झारखंड की जब चर्चा होती है तो पूरे झारखंड में सबसे कम वोट से जीतने वाले को टिकट दे दिया जाता है और सबसे ज्यादा से वोट से जीतने वाले को टिकट ही नहीं मिलता है, और आपके राजनीतिक भविष्य को तो लेके पूरे बोकारो को चिंता है। जो मेरे राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंतित हैं, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारा कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है, आराम से हम फील्ड में रहते हैं, आम पब्लिक के काम में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। अच्छा, लंबे समय से ग्रीडी का तजुर्बा आपके पास है, तो ग्रीडी में इस बार एक युवक की एंट्री हुई है जिसका नाम है जयराम महतो, क्या लगता है ये फैक्टर कितना काम कर पाएगा? देखिए अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे ही क्षेत्र से वो हैं, मानटाण है, तोपचांची ब्लॉक में वो जगह, और हमें ऐसा लगता है कि जब उनको वोट देने के लिए अधिकार मिला होगा तो जरूर हमें भी वोट दिए होंगे, इसलिए मेरी शुभकामना है। नहीं, असर कितना पड़ेगा? देखिए असर उसर का बात नहीं है, अभी तो जैसे लोग बाबा धाम जाते हैं कांवर लेके, तो असरगंज में ही असर पड़ता है, तभी वो जगह नहीं आया है, आएगा तो देखा जाएगा। धनबाद से जो चर्चाएं आपके बीच में चल रही थी कि इस बार हो सके तो रविंदर पांडे भी धनबाद से अपना हाथ आजमा सकते हैं, तो उस पर पूर्ण विराम लग चुका है? ये सब काम पार्टी का करना है, देखना है, और राजनीतिक में कहीं सूर्यास्त नहीं है न कहीं पूर्ण विराम है। तो देखिए भाई, टिकट लेके आया था बाबा, टिकट लेने से मना कर दिए हैं और कहा कि भाई हिमांशु जी टिकट का इंतजार अभी करें, मैं जहां हूं बड़े आराम से हूं, बाबा भी टिकट लेने से इनकार कर दिया, अब ना जाने क्या करूं।